यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि एक 11K के फोन ने 31K के फोन को काफी जबरदस्त टक्कर दी है। इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ टू डिफरेंट बजट कैटेगरीज के फोन को फॉर मीडिया कंज्यूमर्स। देखेंगे आगे कि क्या बड़ा प्राइस गैप होने के बाद एक ड्रास्टिक डिफरेंस मिलता है या नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, बिकॉज मैंने कुछ नया ट्राई किया है ना, तो कमेंट जरूर करें। सो हेलो गाइस, इट्स अभिजीत, यू आर वाचिंग ट्विस्टेड टेक यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने इस वीडियो के लिए टू स्मार्टफोन्स चूज किए जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल है। Redmi Note 10 4G, इस वाले फोन को बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 10,500 INR में परचेज किया जा सकता है, बट फिलहाल ये किसी भी रेपुटेड ई कॉमर्स साइट्स पे अवेलेबल नहीं। एंड सेकंड स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A53 5G। अब इस फोन को बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड ये फोन लोकल स्टोर से परचेज किया हुआ अप्रॉक्सीमेटली 31,000 INR में विदाउट चार्जर। अब अगर आपको चार्जर परचेज करना है तो आपको इसके लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे। अब आप लोग बोलेगा कि मैं एक 5G फोन को 4G फोन के साथ क्यों कंपेयर कर रहा हूं, तो वीडियो देखिए आपको सब पता चल जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में सुपर एमोलेड डिस्प्ले है एंड स्टीरियो स्पीकर्स है। एंड एक बात मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मैं मीडिया कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से ये कंपैरिजन कर रहा हूँ। अभी जो आप साइड बाय साइड वीडियो सैंपल देख रहे हैं, इसमें आपको देख के ये तो समझ आ ही रहा होगा कि 31K के फ़ोन में एंड अप्रॉक्सीमेटली 11K वाले फ़ोन के डिस्प्ले में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर आप ज़्यादा पे कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली मेजर डिफरेंस दिखना चाहिए था, जो कि सैमसंग गैलेक्सी A53 में नहीं मिलता है। तो चलिए दोनों ही स्मार्टफोन्स के स्पीकर्स का एक सैंपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि एक 11K के फोन ने 31K के फोन को काफी जबरदस्त टक्कर दी है। तो अभी आपने सुना दोनों ही स्मार्टफोन्स का स्पीकर टेस्ट। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको दोनों की साउंड क्वालिटी एंड डिस्प्ले में कोई ड्रास्टिक डिफरेंस फील हुआ या नहीं, बिकॉज मुझे स्पीकर के मामले में तो फील नहीं हुआ। हाँ, एक बात मैं इंक्लूड कर देना चाहता हूँ कि सैमसंग के डिस्प्ले में थोड़े ज्यादा पंची कलर्स देखने को मिलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।